हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पल्मोनरी का जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइज एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। आज हम देखेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे। बॉडी के अंदर जब भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जो बीमारी होती है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं, और उन साइन सिम्टम्स को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे या उसका क्या मैनेजमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जैसा कि मेंशनड है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेबल हो सकता है। और ये पर्टिकुलरली हमारे एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुकुलाई करके एक एसिड फास्ट बैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, जो कि ग्रो करता है और डिवाइड इनसाइड ऑफ द सेल्स में हो सकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे लंग्स को यूजुअली इफेक्ट करता है। सबसे जो मैक्सिमम केसेस है या मैक्सिमम इंसिडेंसेस हैं, ये लंग्स में इफेक्ट होने के हैं, लेकिन हो सकता है कि ये हमारे अदर और बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करे, जैसे कि लिम्फ नोड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लीवर को, बोन्स को, या हमारे जीआईटी सिस्टम को, या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स को, ये आगे उसको लीड कर सकता है। द नेक्स्ट, ये देखिए, ये डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो ये एक हेल्दी आपके लंग्स हैं, और यदि हेल्दी लंग्स से अगर किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, तो ये स्टार्टिंग इस प्रकार से होती है और धीरे धीरे करते करते ये हमारे पूरे लंग्स को ये इन्फेक्ट कर देगा। ये माइक्रोबियम ट्यूबुकुलाई के बैक्टीरिया का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि हम बात करें इंसिडेंसेस की, तो इंसिडेंसेस की जैसा कि देखा गया है कि 2016 के अंदर इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन केसेस को रिकॉर्ड किया गया है, कि पर्टिकुलरली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं वो 2.7 मिलियन हमारे रिपोर्ट्स देखे गए। देन यदि बात करें कॉजेस की या इटियोलॉजी की, तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबुकुलाई एक एसिड फास्ट बैसिलस जो होता है, जो कि हमारे लंग्स को यूजुअली इफेक्ट करता है। देन ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड हो सकता है पर्सन टू पर्सन, जिसमें कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस है, जो कि बाय द कफ, बाय द स्पीक, बाय द स्नीजिंग, बाय द स्पिट या बाय द लाफिंग के माध्यम से ये स्प्रेड हो सकता है। देन माइक्रोबैक्टीरियम बॉवेस और माइक्रोबैक्टीरियम ओवियम भी इसके कॉज में देखे गए हैं। देन यदि हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो पेशेंट्स इन्फेक्शन इन्फेक्टेड विद एचआईवी या एड्स के द्वारा है, उनमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं उसके ससेप्टेबल के लिए। देन डायबिटीज़ के पेशेंट्स, देन लो बॉडी वेट अगर किसी पर्सन में है तो भी वो रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड होगा। देन हेड एंड नेक कैंसर है या ल्यूकेमिया है, देन हॉडजिंस डिजीज जिन पेशेंट्स में है वो भी इनके ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड या सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन जो कि ऑटो इम्यून या वास्कुलाइटिक डिजीज हो सकती है, जैसे कि आपके रिमेटोइड आर्थराइटिस है या SLE है, सिस्टमिक लुपस एथेरेमेटस है। देन सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक पर्टिकुलरली सिलिका डस्ट है उसके इनहेल करने से होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। देन यदि हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को स्प्रेड कर रहा है, और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पर्टिकुलरली जैसे इन्फेक्शन इनहेल करता है उस बैक्टीरिया का, देन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। देन ये आपके ग्रेन्युलोमास स्टार्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस स्टार्ट हो गई, ये ग्रेन्युलोमास स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये जो आपके ग्रेन्युलोमास कहलाएंगे, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ग्रेन्युलोमास कहेंगे। देन लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा, देन ये लीड करेगा आगे ग्रेन्युलोमास में मल्टीप्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो इनहेलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बैसिलस बाय द इन्फेक्टेड जो भी पर्सन है उसके द्वारा, ठीक है, देन ये ट्रांसमिट होता है एयरवे टू द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विओलाई ये वाया द लिम्फ नोड या फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है, और अदर बॉडी पार्ट्स में भी ये आगे स्प्रेड हो सकता है। देन इसकी बाद में इनिशिएशन स्टार्ट होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की। देन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी, आपके फैगोसाइटोसिस जो है वो इंगल्फ करेगा बैक्टीरिया को, और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सुडेट इन द एल्विओलाई होगा। देन
इसकी वजह से आपके कॉजिंग द ब्रोंकियो न्यूमोनिया, ब्रोंकियो न्यूमोनिया डेवलप हो जाएगा। देन ये लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूलोमास को, जो कि आपके आर सराउंडेड बाय द मैक्रोफेजेस के। देन ग्रेन्यूलोमास जो है वो ट्रांसफर्ड होंगे टू द फाइब्रस टिश्यू मास में और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द, जिसे हम गोन ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है ना। देन ये जो पर्टिकुलरली आपके बैक्टीरियल और मैक्रोफेजेस हैं, ये बिकम नेक्रोटिक हो जाएंगे और फॉर्मिंग द चीजी मास डेवलप हो जाएगा। देन जो ये मास है, चीजी मास जिसे हम कह रहे हैं, तो में बिकम कैल्सिफाइड हो जाएगा और फॉर्म ऑफ कॉलेजन स्कार इनटू द ब्रोंकाई होगा। देन ये लीड करेगा आपके इन्फेक्टेड लंग्स को टू बिकम मोर इन्फ्लेम्ड, जो हमारे लंग्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और आपके वेरियस सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। देन यदि बात करें हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या साइनम सिम्टम्स की, तो साइनम सिम्टम्स के जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू होगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम डिस्निया कहा है। देन कफ निकलेगा और हम ऐसा काउंट किया, हम ऐसा मानते हैं कि तकरीबन 3 सप्ताह से ज़्यादा अगर कफिंग होती है या खांसी होती है, तो हम उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साइनम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्डिनल साइन कहलाता है। देन अ कफ दैट प्रोड्यूस ग्रीन और येलो स्पुटम, ठीक है, जिसको हम फैलगम कहा जाता है, ये स्ट्रेट आउट भी हो सकता है जिसको ब्लड के साथ या फिर विदाउट ब्लड भी हो सकता है। यदि ब्लड के साथ होता है तो उस सिचुएशन को हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, देन चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, चिल्स हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वेट लॉस हो, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है। ये लो ग्रेड फीवर भी एक कार्डिनल साइन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस है। देन मे नॉन रिजॉल्विंग ब्रोंकियो न्यूमोनिया, ये भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि ब्रोंकियो न्यूमोनिया रिजॉल्व नहीं हो रहा है। देन यदि हम बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की, या हम किस प्रकार से इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से इसको कंफर्म करेंगे, तो फर्स्ट स्पुटम माइक्रोस्कोपी के माध्यम से, कि जो भी स्पुटम है उसका कलेक्शन लेके हम लैब के अंदर भेजेंगे, जिसमें कि पॉजिटिव एएफवी, एएफवी मींस एसिड फास्ट बैसिलस की स्मेयर्स जो स्लाइड्स बनती है, ठीक है ना, बनेंगे, जो कि सजेस्टिव होगी फॉर द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। देन चेस्ट एक्सरे शो करेंगे कि एपिकल फाइब्रोसिस हुआ है या कैविटेशंस हुआ है हमारे पर्टिकुलरली लंग्स में। देन आपके एफबीसी, एफबीसी में मींस फ्लूइड फुल ब्लड काउंट, जिसमें कि लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है और एनीमिया हो रहा है, ठीक है। देन ईएसआर यूजुअली एलिवेटेड रहेंगे। देन पीसीआर टेस्ट करेंगे, देन बायोप्सी करेंगे, देन एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम मॉन्टैक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपीडी दिया जाता है। पीपीडी मीन्स प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट को कंफर्म करते हैं। ये हमारे फोआर्म पे लगाया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। ये देखिए इस प्रकार से ये नीडल है, ये प्रिक करके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार का अगर कोई लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, लेटेंट का मीन्स होता है छुपा हुआ, ठीक है ना, जो कि अपेयर नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पीपीटी टेस्ट, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 48 to 72 आवर्स में यदि किसी भी प्रकार का अगर ये हमारे हार्ट रेट पंप हो जाता है, ये इस तरीके से देखिएगा इंड्यूरेशंस, ठीक है ना। अगर इंड्यूरेशंस नहीं हुआ है तो दैट इज मीन्स जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। यदि इंड्यूरेशंस पॉजिटिव हो जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली 5 mm या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उन कंडीशंस में इसको हम पॉजिटिव काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के पार्ट की, तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट के अंदर मोर देन 20 ड्रग्स अवेलेबल है और 1994 के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटजी अनाउंस की थी, जिसे हम डॉट्स कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करती है। डॉट्स की फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर की फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स को बनाया गया है, ठीक है ना। और ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के जो ड्रग्स होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 months के लिए दी जाती है, और ये जो ड्रग्स है हमें इसको कंटिन्यूस बनाए रखना होता है। द नेक्स्ट यदि हम बात करें फर्स्ट लाइन ड्रग की, तो इसमें आइसोनियाजाइड है, ठीक है, आइसोनियाजाइड के अंदर ये देखिए ये जो डोजेज हैं, डेली भी दी जा सकती है, ट्वाइस ए वीक भी देते हैं और थ्राइस ए वीक भी देते हैं, और हर ड्रग के
किसी न किसी प्रकार से एडवर्स रिएक्शंस होती है या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, पेशेंट की एज ग्रुप कितना है, ठीक है ना। यदि हम बात करें ड्रग्स फर्स्ट फर्स्ट लाइन की आइसोनियाज़िड की, तो ये अगर डेली देनी होती है तो 5 mg/kg के हिसाब से हमें देनी होती है, और मैक्सिमम हम इसको 300 mg दे सकते हैं यदि डेली है तो। और ट्वाइस ए वीकली है तो 15 mg/kg के हिसाब से देंगे, और इसकी मैक्सिमम डोज जो है वो 100 mg होती है, और सेम एज इट इज थ्राइस वीकली होती है, ठीक है। यदि हम बात करें इसके एडवर्स रिएक्शन की या साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स में हो सकता है कि हेपेटिक एंजाइम एलिवेशन हो, हेपेटाइटिस हो सकता है, फेरिब्रल आपके न्यूरोपैथी हो सकती है, माइल्ड इफेक्ट ऑफ सीएनएस हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं, जेआईटी के अंदर अपसेट्स हो सकते हैं। देन यदि हम बात करें सेकेंड ड्रग की, तो जिसमें कि रिफैम्पिन जो है आपके, पर्टिकुलरली रिफैम्पिन की यदि हम डेली देनी है तो 10 mg/kg के हिसाब से देंगे, और मैक्सिमम इसकी डोज 600 mg रखी गई है। देन सेम एज इट इज ट्वाइस और थ्राइस में भी रखी गई है। देन यदि बात करें हम इसके एडवर्स रिएक्शंस की या साइड इफेक्ट्स की, तो जीआईटी जो सिस्टम है वो अपसेट हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, देन ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं जिसमें रैशेस हो सकते हैं, आपके ऑरेंज डिस्कलरेशंस ऑफ द बॉडी हो सकता है, देन बॉडी फ्लूइड्स और सिक्रीशंस अपेयर हो सकते हैं। देन यदि हम बात करें नेक्स्ट पायराजेमाइड की, तो ये जो अगर डेली देते हैं तो 15 to 30 mg/kg के हिसाब से देंगे, और मैक्सिमम डोज इसकी 2 ग्राम मैक्सिमम डोज दी जा सकती है। और यदि हम बात करें ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक की, तो 50 to 7 mg/kg के हिसाब से हमें देनी होगी, और इसकी मैक्सिमम डोज आप 4 ग्राम दे सकते हैं। देन इसके साइड इफेक्ट्स हेपेटाइटिस हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, जीआईटी अपसेट्स हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपके गोइट हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इथेम्बिटॉल। इथेम्बिटॉल अगर डेली देनी है किसी पेशेंट को तो 15 to 25 mg/kg के हिसाब से देंगे, और इसकी मैक्सिमम डोज 1.6 ग्राम रखी गई है। देन अगर हम ट्वाइस ए वीक देते हैं तो 50 mg/kg के हिसाब से देते हैं, और मैक्सिमम डोज इसकी 4 ग्राम रखी गई है। ये यदि थ्राइस अ वीक देनी है तो इसके अंदर 25 to 30 mg/kg के हिसाब से देते हैं, और इसकी मैक्सिमम डोज 2.4 ग्राम रखी गई है। और इसके साइड इफेक्ट्स की यदि बात करें, तो इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। देन ये तो थी फर्स्ट लाइन ड्रग की, ठीक है। देन बात करें सेकंड लाइन ड्रग की, तो सेकंड लाइन ड्रग के अंदर इसमें 3 ग्रुप्स बांटे गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और आपके दिसंबर 2018 के अंदर WHO ने जो रिकमेंड किया था कि सेकंड लाइन ड्रग के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है उसको लेके और स्टेटमेंट दिया था, जिसमें हम यदि बात करें ग्रुप ए आपके ग्रुप ए ड्रग्स की, तो इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन दिया गया है, मैक्सोफ्लॉक्सासिन है, बेडोक्लिलिन है और लाइनोजोलिड है। देन ग्रुप बी के अंदर आपके क्लोफेजिमिन रखा गया है, साइक्लोसरीन रखा गया और टेरिजोडोन रखा गया है। देन ग्रुप सी के अंदर एथेम्बिडोल को रखा गया है, देन आपके डालमिनेट को रखा गया है, पायराजेमाइड को रखा गया है, देन आपके इम्प्रीडिन सिस्टम को रखा गया है, देन मोरेपिनिन को रखा गया, और एम्पिकासीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को रखा गया, देन इथेमोडोइड भी इसी में इंक्लूड है, और आपके प्रोथ्रेडमाइड भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ग्रुप सी की ड्रग्स हैं। देन यदि हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, ट्यूबरक्लोसिस कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके में एक वैक्सीनेशन किया जाता है, जिसमें हम बीसीजी कहते हैं उसको, बैसिलस कैल्मेटिक ग्रीन, जो कि एट बर्थ दिया जाता है ताकि ट्यूबरक्लोसिस को इंसिडेंसेस को हम रोक पाएं। देन यदि हम बात करें स्टॉपिंग द ट्रांसमिशंस की, तो इसमें जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम दूर रखें नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से। देन दो जो पास्चुरेशन मिल्क होता है, ठीक है, ऑल्सो हेल्प द प्रिवेंट द ह्यूमन गेटिंग फ्रॉम द बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। जो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस होता है वो अनपास्चुरेटेड मिल्क की वजह से हो सकता है, तो हमें ये एजुकेट करना होता है कि पास्चुरेटेड मिल्क ही यूज किया जाए। द नेक्स्ट यदि हम बात करें डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइंस की, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि डिस्पोजल ऑफ सिक्रीशंस किस प्रकार से करना है, आइसोलेशन किस प्रकार से रखना है, एक्टिविटीज एंड न्यूट्रिशन किस प्रकार से रहेगा, और एडवर्स इफेक्ट्स क्या रहेंगे किसी भी ड्रग्स के, तो हमें किन किन प्रकार से उनका ध्यान रखना है। तो डिस्पोजेबल और ऑफ सिक्रीशंस यदि होता है तो कफ है, स्नीजिंग है, तो हमें पर्टिकुलरली जो भी स्पुटम मग है वो इन्फेक्टेड पर्सन का सेपरेटली रखना है, उस पेशेंट को हमें मास्क पहना के रखना है, आइसोलेशन में रखना है,
यदि हम घर पर रखते हैं तो उसको एक आइसोलेशन अलग से कमरे के अंदर रखेंगे और हम उसे ये एजुकेट करेंगे कि जब भी स्नीजिंग हो, जब भी कफिंग हो, तो वो पर्टिकुलरली उसके स्पुटम मग का यूज़ करें और उसको हम प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। देन यदि किसी प्रकार के कि कोई भी मेडिसिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स अपेयर होते हैं या एडवर्स इफेक्ट अपेयर होते हैं तो वो इमिडिएटली डॉक्टर्स को रेफर करें। देन हमें ये रिकमेंड करेंगे कि वो प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट ले, बैलेंस डाइट ले और डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।